गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपको पता है जैसे कि वर्कर लगे हुए हैं, ये वाला जो है इसके ऊपर पत्थर बिछेगा, उसकी मोल्डिंग तो ये है शायद, और बाहर उसकी घिसाई करने में आपको ना शीशे में से दिखाती हूँ। ये देखो ये हो रही है घिसाई मशीन के साथ। मेरे को लगी है जल्दी भूख, तो मैं एक बार बना लेती हूँ कुछ खाने का। कुछ क्या, रोटी बनाऊंगी। रायता माता ने बना दिया था बूंदी का, छोटे वाला जा लिया, और बस मैं और माता रहते हैं रोटी खाने के लिए। अभी हम खा लेते हैं। तो गाइस मेरी रोटी बन गई, अभी माता की बना रही हूँ। और ये है अपना रायता और घी। शायद माता ने अभी निकाला नहीं है, भूल गई, किसी और काम में बिजी होगी, तो अभी घी निकाल लेगी। और ये साथ के साथ हो गया दूध गरम। इस देखो ये इसके ऊपर पत्थर भी रखवा दिया है, और यहाँ पे ये सीमेंट फिल कर दी है, क्योंकि ना ये गैप ज्यादा था। अब भैया तो बड़ी हुई बूंदी ही लग गया है, क्ले नहीं होया करे, क्ले 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 जिस तरह वो चिपकिया करे, शीशा भी तो चिपक जाया करे। वो इसके ऊपर से लगेगा, ईब लगा होगा ना उसने, लाएंगे तभी लगेगा वो। हाँ इसको इसमें भर जाएगा इसके लेवल से। न्यू तो यहाँ देख गंदी लगा है भाई, न्यू तो ऊपर नीचे तो वही काम करियो मत, कदे तुम भी सागर जाओ। वाह क्ले लगा दिए, लेवल भी बढ़ जाएगा और चिकना चिकना सुथरा भी हो जाएगा, है ना। गाइस मैं जा रही हूँ एक बार वॉक करने, कई दिन हो गए हैं। कल भी मेरी नियत खराब हो रही थी, कल भी नहीं गई मैं, तो आज जा रही हूँ। स्टाइल बार भी लगवाई है, मैं दिखाती हूँ आपको कितने कितने में। देखो उधर का तो इतना हो गया काम, और ये बाहर की टाइल ये देखो, ये इतनी इतनी लगवा दी है। और इस तरफ भी बस ये करवाया है बाहर की, तो टाइल साफ कर रही है। वैसे मेरे कमरे की ना नीचे से टाइल उतर गई थी, तो मैं कहा साथ के साथ ये भी लगवा लूँ। गाइस मेरे से तो ज़्यादा चला नहीं गया, मैं बैठ गई, मेरा 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा हो ही गया घर से लेके यहाँ तक। और फोन गिर जाता। और उधर देखो पूनम अपना जा रही है, और गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी आ रही हैं। अभी शाम हो गई है, और अपने सारे वर्कर चले गए हैं घर, ये एक रह गए हैं। और उधर कच्ची रसोई का आई हुआ फर्श भी पड़ गया, देखो कितना कबाड़ा निकला है, गत्ता वत्ता काफी कुछ आइटम बेचने का है इसमें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के अपने व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के 5 बजे से, क्योंकि मैं अभी जाऊँगी घूमने, तो अभी जस्ट बाहर निकली हूँ। पूरे दिन का आज मैंने व्लॉग शूट किया नहीं, बस ऐसे ही आलस में पड़ी रही। तो भी जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जाना, और जो इंस्टाग्राम पे हो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी अपने को फॉलो करना वहाँ। तो मैं दिखाती हूँ घर पे धुएँ वाली रसोई का क्या काम हो गया, कितना रह गया, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो ये धुएँ वाली रसोई का अब फाइनल ये लुक आ गया है। नीचे फर्श हो गया, ये पूरा बंद करवा दिया, यहाँ ना भी कुत्ते आते थे अंदर घुस के कुछ भी निकाल लाते थे बाहर। और ये बाहर का तो मैंने दिखाई दिया था आपको, ये सारा काम बाहर टाइलें वाइलें ये लग गई हैं। और अभी मैं जाऊँगी एक बार घूमने, तो देखती हूँ पूनम रेडी होगी कि नहीं जाने के लिए, आज जाएगी या नहीं जाएगी। वैसे जाती तो वो है, देखती हूँ। चादर रखी है ना, चल चल कर ली। पूनम ने आज कर दिया है मना जाने को, क्योंकि वो जस्ट अभी रोहतक से आई है, और
आपको पता है रोहतक से तो जाके इंसान थक जाता है। भैंसिया भी आ गई है जोड़ पे घूम के, तो आज मैं भी कैंसिल ही कर रही हूँ जाने का। बेटा के खंडा रहा है तू नैनू है क्या? ऐसे कौन करता है नैनू बताओ? सारा सामान देखियो ड्रॉर निकाल के फेंक दिया है। ए गंदा बच्चा, ओए चुगड़े, फुल अपनी मस्ती में मस्त है भाई। तो माँ एक बार करेगी तूड़े उड़े का काम, तब तक मैं इसको रख लूँ और देखते हैं नेक्स्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्या खा रहे हो बेटा? छी क्या है ये नैनू? कुछ भी मुंह में ले लेते हो बेटा उठा के। ओहो अब इतनी नौटंकी, अब से पहले नहीं। नो पापा गुस्सा करेंगे देख लो, चांटा लगाएंगे जोर का। हाँ निकालो बेटा निकालो, निकाल दो। मानने की गाइस बिल्कुल भी, जो मुंह में आ जाए जो हाथ में आ जाए वो मुंह में। गंदा बच्चा, क्या कर रहा है नैनू? क्या कर रहा है? कपड़े कौन खाता है बेटा? नैनू खाता है। नैनू तो है ही बेकार इंसान, ठीक है, जो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। तो भी अपन ने खाना पीना हो गया, नैनू ने आधी रोटी खाई आज और इसका दूध अभी आया नहीं है ऊपर, और मम्मा ने भी खा लिया खाना, और अभी नैनू को बस वेट कर रही है ये कब सोएगी कब सोएगी। रात को तो पूरी रात आतंक मचा के रखती है रो रो के। तो भी इसी के साथ आप सबको गुड नाइट, मिलते हैं सवेरे वाली क्लिप के साथ मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। आपकी टाटा रह गई थी, चलो करो टाटा करो, गुड नाइट भी बोलो, बोलो गुड नाइट गाइस। बाय पापा। हाँ ये है चाइनीज। नैनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नैनू, गुड मॉर्निंग। कब उठे आप? अभी अभी उठे थे। ओले आप उठ गए, मॉर्निंग हो गया अपनी, 7:30 हो गए हैं, बस अभी नीचे जा। अच्छा अच्छा बोलने मत दियो मम्मा को, पहले ही अच्छा अच्छा कर दो। गंदा बच्चा, क्या है इनका? इस बार का वेदर हो रहा है एकदम बारिश वाला, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो एकदम काला पीला कैसे हो रखा है चारों तरफ का। और इधर अपना ये साथ के साथ सुनवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो ईंट वगैरह वो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा बच गई है, अब छोटे वाला बुग्गी ला के तब उसको फेंक आएगा। उधर माता क्रेशर व्रेशर करनी हुई है गाइस, बर्तन 3 बार कर लिए और फिर भी रह ही गए। और मैंने बना लिया मेरा पराठा और छोटे वाले की रोटी पैक कर दी है, लस्सी जस्ट अभी लेके आई हूँ, दूध भी अपना हो गया है गर्म। अभी बस मेरा रह गया झाड़ू वगैरह निकालना, नबी को नहलाना सुलाना खुद नहाना। और पीछे का दिखाती हूँ मैं आपको, पीछे का ना लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साफ हो ही गया, ये देखो भी यहाँ तो सारा कुछ उठा दिया है। और अंदर का दिखाती हूँ मैं आपको क्या बनवाया है, ये देखो ये दो ना हारी बनवा दी अंडरग्राउंड, और इसमें मतलब दूध वगैरह रख दो या फिर भैंस की जो चूरी वगैरह होती है वो रख दो, और एक ये चूल्हा बन गया। और ये तो अपनी जो उठाने वाली है वो है ही, ऊपर ये धुएं के लिए छुड़वा दिया है भाई धुआं निकल जाए।